टॉपिक है किसान परेशान क्यों है, किसान क्यों है परेशान। मैंने दो चीजें बेसिक दो चीजें नोट की हैं, और भी चीजें हो सकती हैं। लैक ऑफ कैलकुलेशन जो किसान के पास नहीं है, और नंबर दो पर नॉन सीरियस गवर्नमेंट एटीट्यूड है जो गवर्नमेंट का, वो नॉन सीरियस है। तो ये क्या है, मैं ये क्यों कहना चाहता हूं कि लैक ऑफ कैलकुलेशन का मतलब है, कोई भी जमीन पंजाब की बात करें तो तकरीबन 30 लाख रुपए एकड़ के हिसाब से मिलती है, कोई कैलकुलेशन करनी हो। और जो फसल है इसमें से जनरल, कोई हो सकता है ज्यादा भी निकालता हो, पर ईयर 50,000 की निकलती है, और वो भी तब जब सब कुछ ठीक हो। इसमें रिस्क भी रहता है, गेहूं पर गड़े पड़ जाते हैं, कई बार बरसात के हड़ों में आ जाती है, मतलब उसमें आ जाती है, तो उसमें गड़े भी पड़ेंगे, और कई बार कुछ और भी रिस्क होते हैं इसमें। तो ये ना रहे तो भी 50,000 रुपये साल की आमदन है, और काम करने वाले बंदे हैं जो तकरीबन 4 या 5, पूरे का पूरा परिवार। अब 4-5 परिवार का यदि हम 10,000-15,000 रुपये भी सैलरी लगाएं, तो उनकी 60,000 रुपये महीना तो सैलरी ही बनती है। ये कभी भी हमने कैलकुलेशन की नहीं, कभी भी कैलकुलेट नहीं करते। और दूसरे नंबर पर यदि कोई इन्वेस्ट कर रहा है पैसे, मतलब जमीन में लगा रहा है, यदि वो खेती पर निर्भर करेगा, तो इसका मतलब ये है कि वो 50,000 रुपये महीने के हिसाब से 60 साल में अपने पैसे पूरे करेगा। ये एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो 60 साल में पूरी होगी, जबकि बिजनेसमैन है जो ऐसे पैसे बिजनेस करते हैं जिनको 2-3 साल में वो अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल के फिर प्रॉफिट की तरफ चलते हैं। क्योंकि बिजनेस में भी ये कहा जाता है, पहले चट्टी फिर हट्टी फिर खट्टी, मतलब पहले चट्टी का मतलब पहले पल्ले से पैसे लगाना पड़ता है, फिर हट्टी का मतलब बराबर से आता है, मतलब उसके बराबर आ जाता है, और फिर उसके बाद खट्टी, खट्टी का मतलब कमाई उसके बाद आएगा। तो ये कैलकुलेशन ना होने की वजह से ये पीछे चलती है। तो पहले तो सैलरी किसी ने नहीं डालनी अपने ऊपर, अपनी मेहनत का पैसा नहीं लगाना, दूसरे नंबर पर ये कैलकुलेशन, तीसरे नंबर पर जो मैंने लिखा है नॉन सीरियस गवर्नमेंट एटीट्यूड है, जो ये बहुत ही खतरनाक है। किसी भी फसल की गारंटी जो MSP है वो देने के लिए तैयार नहीं, 1-2-3 फसलों को छोड़ के किसी की वो नहीं है। उसके ऊपर कोई कैलकुलेशन, जो मैंने कैलकुलेशन लिखी है, इनके कैलकुलेशन ही नहीं है, गवर्नमेंट ने कोई कैलकुलेशन नहीं की। उसकी मैं एक जीती जागती उदाहरण देता हूं, मैं खुद 1981 में टेलीफोन एक्सचेंज में मैंने काम किया, शुरू किया था टेलीफोन एक्सचेंज, तो मेरे को 462 रुपए पर मंथ मिलते थे सैलरी, और तब गेहूं का रेट था, जो कणक इसको वीट का रेट था 142 रुपए पर क्विंटल, तो 142 रुपए मिलते थे एक क्विंटल। इसका मतलब ये हो गया 142 को यदि मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं तो 420 रुपए बनता है, 426 रुपए बनेगा 3 से, मतलब ये समझो मैं एक सैलरी में 3.5 क्विंटल गेहूं खरीद सकता था, इससे ज्यादा नहीं। अब 2022 आ गया, 2022 में सैलरी है जो ये चाहिए, सैलरी जो मेरे साथी हैं उनकी सैलरी होगी 80,000 रुपए मिनिमम इसके आसपास, इसका मतलब ये सैलरी बढ़ गई इनकी 200 गुना, सैलरी 200 गुना बढ़ गई, और गेहूं का रेट है 2,000 रुपए पर क्विंटल, इसका मतलब गेहूं का कितना बड़ा, 15 गुना भी नहीं बढ़ा, 15 गुना से भी कम, 15 गुना से भी कम बढ़ा है। तो इसका ये बंदा जो यहाँ पर मैं जिसमें था टेलीफोन एक्सचेंज में काम करता था और उसके बाद बैंक में आया, बिल्कुल मतलब हमारी जो स्केल 3 की जॉब होती थी, स्केल 3 की मतलब क्लास 3 बोलते थे उसको, क्लास 3 की जॉब होती थी, जो ऑफिसर भी नहीं होता था, कुछ भी नहीं होता था, एक मजदूर टाइप मतलब जॉब होती थी, उसकी 200 गुना सैलरी बढ़ गई है 41 साल में।
और किसान की 15 गुना फसल भी नहीं बढ़ी। 142 रुपए क्विंटल मैंने लिखा है, ये गेहूं का रेट था और तब 118 रुपए क्विंटल धान का रेट था, राइस ये दोनों। तो अभी राइस का रेट जो पता नहीं 1500-1600 होगा, जितने में होगा गेहूं से कम नहीं है। ये देखने वाली बात है, एक तो MSP नहीं मिल रही, और MSP यदि मिल गया तो इस कैलकुलेशन महंगाई की दर से, जो ये महंगाई है, ये महंगाई के लिए तीसरे दिन हड़ताल करते हैं, तो ये महंगाई की दर से इनके फसल का रेट ही नहीं लगा। अब कई दोस्त इसमें YouTube देखने वाले कहेंगे कि फिर तो गेहूं बहुत महंगी हो जाएगी। ठीक है, महंगी तो होगी, गवर्नमेंट को उनका रेट प्रॉपर करके, रेट प्रॉपर देके यदि किया जाए, यदि प्रॉपर रेट प्रॉपर करके उनको रेट दिया जाए और उसमें कुछ सब्सिडी दी जाए, कुछ और उसका हल निकाला जाए। महंगाई तो इनके लिए भी बड़ी है, इनके अकेले के लिए नहीं, ये हड़ताल करते हैं, ये हड़ताल ही नहीं कर सकते। किस मजदूर की सैलरी भी, मजदूर की जो वेजेस है, डेली वेजेस है, वो भी नहीं बढ़े। हम इसीलिए गरीब होते जा रहे हैं और अमीर अमीर होते जा रहे हैं। कोई आदमी, जो आदमी ये काम कर रहा है, फसल का काम कर रहा है, और इसमें कोई किसानी कर रहा है, कुछ और कर रहा है, यदि वो और कोई काम साथ में नहीं करेगा तो वो परेशान ही होगा, क्योंकि इस जो ये महंगाई की दर से ये बढ़ ही नहीं रहा। ये जब तक नहीं बढ़ेगा तब तक किसान की जो हालत है, हालात है, वो ठीक नहीं होंगे। यही हालात मजदूर के भी हैं। तो दोस्तों ये बहुत सोचने वाली बात है, पंगा ये है हम सोच ही नहीं रहे। हमें धार्मिक संस्थाओं में और कॉमेडी कलाकारों ने, सिंगरों ने, जो गायक है, उन्होंने हमें इतना मतलब उलझा दिया, हमारा दिमाग ही किडनैप कर लिया। हम कभी सोचते नहीं ये बातें। सिंगर ने आपको कुछ नहीं देना, कॉमेडी कलाकार ने कुछ नहीं देना, अमिताभ बच्चन ने कुछ नहीं देना, किसी और मतलब फिल्मी कलाकार ने कुछ नहीं देना, किसी डेरे वाले बाबे ने आपको कुछ नहीं देना। आपको खुद ही मत्था मारना पड़ेगा। मत्थे टेक बहुत हो गए हैं, मत्थे टेकने थोड़े कम कर लो। भगवान में आस्था रखो, इससे मैं नहीं कहता कि आस्था नहीं रखनी, आस्था रखो, लेकिन जो चीज़ें कैलकुलेशन में आती हैं वो कैलकुलेशन जरूर करें। रियल एस्टेट बिजनेस में भी मैं तीन बेसिक चीज़ें बताता हूँ, कैलकुलेशन, कंपैरिजन ऑफ रेट और मैनिपुलेशन। जिस बंदे के पास ये तीनों हैं वो सफल रियल एस्टेट एजेंट है, और जिसके पास नहीं है वो बिल्कुल आज भी फेल है, कल भी फेल है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो का टॉपिक आपको पसंद आएगा, लाइक करके शेयर जरूर कर देना ताकि ये बात किसान भाइयों तक चली जाए और किसान इस पर सोचना शुरू कर दें, ताकि उनकी कुछ उनके हालात ठीक हो सकें, उनके आने वाली पीढ़ी जो है बच्चों के, वो भी उनके हालात ठीक हो सकें। हम इंडिया में रह रहे हैं, इंडिया के लोगों के बारे में हमें सोचना है, जरूर सोचना है। यदि हम देश प्रेम हमारे अंदर है तो हमें हर बंदे के बारे में सोचना पड़ेगा, हर बंदे को अपलिफ्ट करने के बारे में सोचना पड़ेगा। बाघा बॉर्डर पर जाके या कहीं हुसैनी वाला जाके भगत सिंह के उसके ऊपर हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने से कुछ नहीं होगा। आपको करना ही पड़ेगा दोस्तों, कितना अच्छा हो यदि जो फिल्मी कलाकार हैं या सिंगर हैं, ये कॉमेडी कलाकार हैं और ये बाबे हैं, कितने इनके फॉलोअर हैं करोड़ों में, ये इस तरीके की एजुकेशन दें कि यार तुम हमारे तो फॉलोअर हो, तो लेकिन यदि आपका इस तरीके से आपका भला हो सकता है, यदि वो ये भला उनका करने में कामयाब हो जाते हैं तो ये सबसे बड़े पुण्य का काम है। भगवान को मिलो ना मिलो, भगवान की आस्था में मतलब भगवान का मत्था टेको या ना टेको, यदि आप इस तरीके के काम करोगे तो खुद इसमें ही भगवान आ जाएगा। दोस्तों आज के लिए इतने, बहुत जल्द नए टॉपिक के साथ आपके सामने होगा। आप तब तक आप अपना ध्यान रखें, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबा दो। थैंक यू वेरी मच। आपका दोस्त, आपका होस्ट राजवंत सिंह भाई।